दोस्तों कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही चियान विक्रम और ऐश्वर्या राय बच्चन की मूवी PS2 पर अचानक से मुसीबतों की तलवार लटक गई है और यही कारण है कि मणिरत्नम की फिल्म पोनियन सिल्वन 2 की कमाई में अब गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन आखिर ऐसा मूवी के साथ क्या हुआ जिसके कारण इस मूवी की कमाई में भारी गिरावट आ गई है, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर पूरा मामला क्या है। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपका एक लाइक इस वीडियो के लिए तो बनता है। देखिए ऐश्वर्या राय और चियान विक्रम की फिल्म पोनियन सिल्वन 2 जो अपनी रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही थी, अब इस मूवी के कलेक्शन में गिरावट देखने को मिल रही है और सामने आ रही रिपोर्ट की माने तो फिल्म ने 5वें दिन 11 करोड़ का ही कलेक्शन किया है और फिल्म का टोटल कलेक्शन अब तक केवल 117.5 करोड़ रुपए ही हुआ है। और आपको बता दें कि मणिरत्नम के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 28 अप्रैल को रिलीज हुई थी और ये एक मल्टी स्टारर फिल्म है जिसमें ज्यादातर साउथ के स्टार्स नजर आ रहे हैं। और दोस्तों इस मूवी की कमाई में भारी गिरावट का कारण बताया जा रहा है कि इस मूवी पर चोरी का आरोप लगा है। देखिए ऐश्वर्या राय बच्चन और चियान विक्रम की फिल्म पोनियन सिल्वन 2 पर अचानक ही मुसीबत की तलवार लटक आई है और सिंगर ध्रुपद ने पोनियन सिल्वन 2 के गाने वीरा वीरा सॉन्ग पर रिलीज के बाद अब मेकर्स पर गाने की कंपोजिशन चुराने का आरोप लगाया है। देखिए पोनियन सिल्वन 2 फिल्म रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर काफी धमाकेदार परफॉर्मेंस दे रही थी और वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ की कमाई कर लेने के बाद अचानक ही फिल्म पर अब मुसीबत की तलवार लटक गई है और पोनियन सिल्वन 2 में एक गाना है वीरा वीरा जिसे लेकर कॉन्ट्रोवर्सी सामने आई है और इस गाने को लेकर ध्रुपद सिंगर उस्ताद वसीफुद्दीन डागर का कहना है कि वीरा वीरा की धुन बिल्कुल वैसी है जैसे उनकी पिता की शिव स्तुति की है। और अब पोनियन सिल्वन 2 के इस गाने को लेकर विवाद बड़ी ही तेजी से आग पकड़ रहा है। देखिए पोनियन सिल्वन 2 के गाने वीरा वीरा को AR रहमान ने कंपोज किया है और शंकर महादेवन के S चित्रा और हरिणी ने गाया है और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब इस गाने को लेकर उस्ताद वसीफुद्दीन ने आरोप लगाते हुए कहा है कि इसे बिल्कुल उसी तरीके से गाया गया है जैसे उनके पिता और चाचा ने शिव स्तुति में गाया था। दोस्तों साथ ही वसीफुद्दीन का कहना है कि स्तुति पहली बार 1978 में हॉलैंड फेस्टिवल के पार्ट के तौर पर रिकॉर्ड की गई थी और उस्ताद वसीफुद्दीन का कहना है कि 1978 में जिस स्तुति की रिकॉर्डिंग की गई थी उसकी 1996 में रॉयल टॉपिकल इंस्टीट्यूट द्वारा 2 CDs के सेट के तौर पर फिर से रिलीज की गई थी। और दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार पोनियन सिल्वन 2 के वीरा वीरा गाने को लेकर उस्ताद वसीफुद्दीन का कहना है कि काश मद्रास टॉकीज और मिस्टर रहमान ने हमारे परिवार से इजाजत ली होती, हम कभी मना नहीं करते लेकिन अपने आर्थिक फायदे के लिए ऐसी चीजें करना बिल्कुल गलत है और इस कंपोजिशन को बिल्कुल तांडव वाले फॉर्म में उठाया और गाया भी गया है। वसीफुद्दीन का कहना है कि सिर्फ फर्क हिस्सों के अरेंजमेंट का है और वीरा वीरा गाने को लेकर चोरी का आरोप लगाने के बाद उस्ताद वसीफुद्दीन ने AR रहमान को भी एक चिट्ठी लिखी है। वहीं दूसरी तरफ इस कॉन्ट्रोवर्सी पर मद्रास टॉकीज और मणिरत्नम ने रिएक्शन देते हुए पूरे मामले को झूठा बताया है और कॉपीराइट क्लेम से इनकार कर दिया है। अब दोस्तों अब ऐसे में देखना होगा कि ये फैसला किस तरफ करवट लेता है, क्या उस्ताद वसीफुद्दीन का लगाया हुआ आरोप सही साबित होता है या गलत साबित होता है। बाकी दोस्तों आपके अनुसार उस्ताद वसीफुद्दीन द्वारा लगाए गए आरोप पर आपकी प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।